जितना मैं दे सकता हूँ डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा और आज के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो थैंक यू वेरी मच और ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा और थैंक यू करना चाहूंगा जो आ, टीम लीडर्स हैं पेरन प्रधान जी ज्योति जी किरण जी अनिल जी और भी जितने मेंबर हैं प्रिया जी थैंक यू वेरी मच टू अरेज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मीटिंग जूम वेबिनार थैंक यू वेरी मच अब मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करता हूँ थैंक यू वेरी मच देखिये सबसे पहले आ, हमें कुछ बातें समझने की जरूरत है और वो चीज है कि एक्चुअली में सप्लीमेंट क्या चीज होती है फिर मैं आपको टॉपिक पे लेके आऊंगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट क्या चीज होती है और ड्रग क्या चीज होती है जब तक हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली ड्रग क्या होती है और सप्लीमेंट क्या होता है तब तक आप कभी भी वेलनेस के पावर को नहीं जान पाएंगे तो देखिए आपने एक चीज बड़ी कॉमन देखी होगी सोसाइटी में एक वर्ड यूज होता है एमबीबीएस एमडी एमबीबीएस एमडी और एमबीबीएस एमडी में अगर आप इस एमडी का फुल फॉर्म को देखें तो ये होता है मास्टर डिग्री इन ड्रग मास्टर डिग्री इन ड्रग और ड्रग के बारे में आप सबको पता है कि ड्रग क्या चीज होती किसी को अगर ड्रग्स लेने की आदत हो जाए तो आपको पता है कि अगर वो चरस ले रहा है अफीम ले रहा है या एल्कोहल पी रहा है कुछ भी ले रहा है तो आपको पता है कि वो एक एडिक्शन है और वो उसको छोड़ नहीं सकता ड्रग को छोड़ नहीं सकते लोग लाइकवाइज अगर आपने कोई एलोपैथ मेडिसिन स्टार्ट करी है जिसको बोला ही ड्रग जाता है अगर आपने उसको स्टार्ट कर दिया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते और किसी भी ड्रग को जिस ड्रग को भी आप इस्तेमाल करते हैं मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा लेकिन एक सिंपल सी बात करता हूं अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आप मेटफॉर्मिन लेते हैं मेटफॉर्मिन लेते तो हंड्रेड परसेंट किडनी डैमेज होगी होगी कोई नहीं रोक सकता अब देखिए एक्चुअली मेटमॉर्फिन लिया शुगर को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज वाले केसेस कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसमें मेटमॉर्फिन नहीं है लगभग लगभग सब में मेटमॉर्फिन का कॉम्बिनेशन है या अगर मेटमॉर्फिन नहीं है तो ग्लिम्प्राइड ग्लिमप्राइड का कॉम्बिनेशन है तो ये दो मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है एक बार आप अगर आप इसका साइड इफेक्ट लिखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक दिखाई देगी अब एक्चुअली क्या है हमें हम लेते हैं क्योंकि ड्रग है और आज के टाइम में एलोपैथ मेडिसिन को हम भगवान मान चुके हैं अगर एलोपैथ सिस्टम को आप भगवान मान चुके हैं तो आपको ये नशा करने की जरूरत है किसी भी बीमारी में ये कंफर्म मान के चले और जैसा अभी मैंने बोला है कि एमडी का मतलब होता है मास्टर डिग्री इन ड्रग उन्होंने मास्टर ही ड्रग पे कर रखी है तो डेफिनेटली वो आपको ये ड्रग देंगे और उसकी आपको एडिक्शन हो जाएगी और लोअर डोज फिर हैवियर डोज फिर हैवियर डोज धीरे धीरे ये डोजेस बढ़ते चले जाएंगे और आप एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहां से आप कभी निकल नहीं सकते अब बात है कि एक कॉमन सी चार चीज निकल के सामने आती है कि सर हम अपने आपको एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि सर आप जो चीज बता रहे जैसे मान लिया आप ओमेगा बता बता रहे रहे या आप मान लिया ही ही बता रहे। तो कॉमन सी चीज आपके सामने निकल के आती है कि जब आप उसको हिमोहीन बताते हैं तो वो एक लाइन बोलता है कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बताएंगे आप देखिए प्रॉब्लम क्या आती है जो भी ये एमडी डॉक्टर है इसको पता है कि अगर ये ड्रग से हमने उसको वेलनेस की तरफ मूव करने के लिए दिया सामने को सामने वाले को पता है कि ये जो चीजें दे रहे हैं ये क्या है वेलनेस प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट है वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं अगर उनको पता है कि अगर हमने ड्रग से इधर मूव करने को दिया उसको तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी और जब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो इस एमडी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी तो ये कभी भी आपको यस नहीं करेगा वेलनेस प्रोडक्ट के लिए ये आप मान के चलिए बहुत ही रेयरेस्ट डॉक्टर होते हैं जो आपको वेलनेस प्रोडक्ट के लिए हाँ करते हैं बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे इंसान होते हैं वो एक करोड़ अगर, अगर एमबीबीएस डॉक्टर देखेंगे तो आपको एक बंदा मिलेगा जो आपको वेलनेस के प्रोडक्ट के लिए यस करेगा अगर उन्होंने मल्टीविटामिन भी देना है ना मल्टीविटामिन भी देना आपको तो उसने वो केमिकल वाला ही मल्टीवाइटामिन देना है वो नेचुरल मल्टीवाइटामिन आपको नहीं देगा तो जब कोई भी पर्सन आपसे ये कहता है कि मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा तो आप उसको ये बात समझा सकते हैं कि आपका डॉक्टर यस नहीं करेगा हम नॉर्मली क्या कह देते हैं ठीक है डॉक्टर से पूछ लो आपको दिमाग में आज के बाद रखना है कि डॉक्टर से पूछने के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है जीरो क्योंकि वो वेलनेस की तरफ मूव करने नहीं देगा और आज के टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है जैसे पहले एलोपैथ ने बहुत फास्ट ग्रो किया अब वेलनेस इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है ये आप इसके लिए आपको पता होगा योगा है मेडिटेशन है या नेचुरोपैथी है होम्योपैथी अल्टरनेट जितनी पैथीस है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और एक चीज बहुत सिंपल समझने की बात है लोगों को लगता है कि एमबीबीएस डॉक्टर ने कह दिया तो वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई तो एक बात अपने दिमाग में जरूर डालिए कि 150-200 साल पहले एलोपैथ सिस्टम ही नहीं था ये मॉडर्न मेडिसिन का सिस्टम ही नहीं था जब ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं था तो सोचिए क्या उस समय लोगों का इलाज नहीं होता था क्या उस समय लोग ठीक नहीं होते थे और ठीक भी ऐसे होते थे जब जो वापस वो बीमारी दोबारा नहीं होती थी उनको लेकिन आज अगर हम बात करें तो क्या आज थाइरयड के लिए सारी जिंदगी दवाई नहीं खानी आपको थारॉइड की प्रॉब्लम हो जाए सारी जिंदगी दवाई खाएंगे डायबिटीज हो जाए आप सारी जिंदगी दवाई खाएंगे हाई ब्लड प्रेशर हो जाए आपको आप सारी जिंदगी दवाई खाएंगे सिर्फ आपको फास्ट रिजल्ट का है कई लोगों को दिमाग में आती है कि एलोपैथ बहुत फास्ट रिजल्ट है फास्ट रिजल्ट का है आपने फीवर की दवाई खाई पैरासिटामोल आपको बुखार उतर गया लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए अगर आपको वायरल फीवर हो गया तो आपको डॉक्टर कहता है पांच से सात दिन तक आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी सोचिए कमाल के बाद डॉक्टर आपको कहता है वायरल फीवर है पांच से दस सात दिन तक दवाई खानी पड़ेगी मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं अगर वायरल फीवर है और आप सिंपल तुलसी अदरक के काढ़े से भी फीवर को कंट्रोल कर रहे हो तो भी सिर्फ दो से तीन दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे सात दिन भी नहीं लगेंगे तो आप सोचिए कि पांच से सात दिन जल्दी इलाज हुआ या दो से तीन दिन में जल्दी इलाज हुआ ये सोचने की बात है वायरल फीवर में अगर आप कोई डिजीज कोई मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो भी पांच से सात दिन में वो वायरस डेड हो जाते हैं आपके बुखार अपने आप भी ठीक होगा लेकिन डॉक्टर्स को भी बताए ये पैरासिटामोल एक बार के लिए फीवर डाउन कर देगा दोबारा फिर हो जाएगा आपने देखा होगा चार घंटे बाद फीवर वापस रही अपेयर हो जाता है तुलसी तुलसी एक ऐसी चीज है जिसके जिसको जब रिसर्च किया गया तो देखा गया इसके अंदर पैरासिटामोल पाया जाता है और पैरासिटामोल का आविष्कार भी तुलसी से ही हुआ कि ये कंपाउंड तुलसी में सबसे पहले पाया गया फिर उसको केमिकली सिंथेसाइज किया गया और फिर वो आपके सामने ड्रग के फॉर्म में केमिकल के फॉर्म में एक कन्वीनियंट फॉर्म में आपके सामने ला रख दिया गया तो आज के टाइम धीरे धीरे लोग वेलनेस की तरफ मूव कर रहे हैं आज के टाइम में बहुत ही कम लोग हैं जो बड़े शहर है दिल्ली है मुंबई है आप देखेंगे वहां पे लोग मेडिसिन नहीं खाना चाहते छोटी जगहों में आज भी लोग मेडिसिन पे डिपेंडेंट हैं लेकिन जितने भी थोड़े मिडिल अपर हाई क्लासेस लोग हैं मिडिल से अबब लोग हैं मिडिल क्लास से अबब लोग हैं आप देखिए वो मेडिसिन नहीं खाना चाहते उनको पता है कि अगर ये मेडिसिन मैं खाऊंगा या तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी या इस मेडिसिन की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जैसे आपने देखा होगा अगर एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की हो जाती है तो ये एक प्रॉब्लम है आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर एलोपैथ की मेडिसिन अगर लिखता है तो साथ में आपको एसिडिटी और गैस की दवाई जरूर लिखता है तो उनको पता है कि ये दवाई अंदर जाएगी बहुत ज्यादा गर्मी करेगी बहुत ज्यादा गैस बनाएगी बहुत ज्यादा एसिडिटी बनाएगी तो साथ में इसको गैस की भी दवाई दे दो मतलब उनको सब कुछ पता है कि क्या गलत गड़बड़ी होने वाली है अंदर जाके अब बात यह है कि आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या चाहते हैं उस ड्रग सिस्टम में फंसे रहना और अपने आसपास के लोगों को भी उस ड्रग सिस्टम में फंसाए रखना या वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ मूव करना आज अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ मूव करें तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि हम एटमी के पार्ट हैं इसलिए एटमी बेस्ट है मैं ये नहीं कहूंगा लेकिन कुछ डेटा है उस डेटा के बेस पे अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो वो डेटा आपको मिलेगा उस सर्च के बेस पे मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड में लास्ट ईयर वर्ल्ड के जो दस प्रोडक्ट थे तीन चार पच सात आठ और आगे नौ दस फर्स्ट में एटमी का प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट का नाम आप सबको पता है हीमो हीम सेकेंड एटमी का प्रोडक्ट और उसका नाम है एप्सल्यूट स्किन केयर थर्ड फोर्थ ये दोनों एमवी के प्रोडक्ट हैं फिफ्थ एंड सिक्स फिर हमारे प्रोडक्ट हैं एटमी के और सेवेंथ एट नाइन टेन अदर कंपनी के प्रोडक्ट अब देखिए दस में से चार प्रोडक्ट दस में से चार प्रोडक्ट एटमी के हैं पहला इंपॉर्टेंट चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन चार प्रोडक्ट का रेवेन्यू आउट ऑफ टेन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाले ये दस प्रोडक्ट्स में थे सेवेंटी परसेंट रेवेन्यू एटमी के प्रोडक्ट का है और ये आपको पूरा का पूरा हम चैट एक पर्टिकुलर एक बार मैंने ग्रुप में डाला था ये पूरा का पूरा गूगल से सर्च आउट पेपर है दस में से जितना दस, दस का टर्न ओवर है उसमें सेवेंटी परसेंट टर्न ओवर अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट टर्न ओवर एटमी के प्रोडक्ट का है चार प्रोडक्ट का सोचो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाले दस प्रोडक्ट हैं दस प्रोडक्ट में से चार फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स एटमी के प्रोडक्ट है मतलब टॉप टू प्रोडक्ट हमारे हैं और टर्न के बेस पे देखा जाए तो सेवेंटी परसेंट टर्न ओवर हम कवरअप करते अब आप सोचिए कि क्या हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट वाकई जोरदार हैं अगर नहीं जोरदार होते जिसमें टॉप पे हीमोहिम ही है तो ये टर्न नहीं होता अगर मैं लास्ट ईयर की टर्न की बात करूं तो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का टर्न था सिर्फ हीमोहिम ही का सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं 1.18 बिलियन यूएस डॉलर का टर्न था हीमोहिम ही का अब अगर आप इसमें जीरो लगाना शुरू कीजिए और साथ में डॉलर एटी फाइव से गुना भी कर दीजिए वन पॉइंट एट वन पॉइंट वन एट बिलियन इंटू एटी फाइव अब रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए कि क्या टर्न ओवर था प्रोडक्ट का तो हम आज के सेशन में आपको लगभग लगभग सारे हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर हीमोहीम के प्रोडक्ट की उसके बाद में सारे प्रोडक्ट्स की बात करूंगा कि ऐसा क्या है हीमोहिम में ऐसी क्या बात है हीमोहिम में जिसके कारण इतना जबरदस्त टर्नओवर इतना जबरदस्त सेल है इसकी तो मैं उसके बारे में आपसे बात करता सबसे पहले बात करता हूं कि इसको आठ साल के आर से यह प्रोडक्ट बना और इसको रिसर्च किया कैरी ने और कैरी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट है तीन हजार तीन हजार साइंटिस्ट की टीम थी और पंद्रह सौ पी एच डी होल्डर होल्डर्स थे इसके रिसर्च में और ये टोटल जो प्रोजेक्ट था टोटल इंडिया था वो लगभग नौ से दस साल का टाइम दिया था कि दस साल में आपको ये प्रोडक्ट तैयार करना है और ये प्रोडक्ट क्यों तैयार करना था इसलिए तैयार करना था कि कैरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है जहां पर रेडिएशन बीटा गामा पार्टिकल रेडिएट होता है एल्फा, बीटा गामा पार्टिकल अब उस एल्फा, बीटा गामा पार्टिकल की वजह से जो वहां पर काम करने वाले लोग थे उस एटॉमी डिपार्टमेंट में रिसर्च डिपार्टमेंट में उनको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन गवर्नमेंट ने प्लान किया कि अगर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा प्रॉन है ये कैंसर के लिए अगर इनको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा सेंसिटिव है इन रेडिएशन की वजह से तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे यहाँ काम करने वालों को पिलाया जाए और उनको कैंसर ना हो तो पहले एक्चुअली में हीमोहीम जो प्रोडक्ट बना वो कैंसर के अगेंस्ट में बना दिस इज नोन एज एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट है ये अब आपको एक कमाल की बात बताता हूँ एक दिल्ली की ही बात बताता हूँ एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट है इसको इसके बारे में मैं एक बात बताता हूँ आपको बहुत ही मजेदार बात है एक पर्सन को कैंसर की प्रॉब्लम थी और वो डॉक्टर्स ने उसको रेडियोथेरापी प्रिस्क्राइब किया और वो फर्स्ट रेडियो थेरेपी कराई उसने उसके बाद कुछ दिन बाद सेकेंड रेडियोथेरेपी उसको करानी थी इन बिटवीन उसको हिमोहिम का पता लगा और उसने हिमोहिम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उसके बाद वो रेडियो थेरेपी के लिए गया जब उसको रेडियो थेरेपी के लिए इन, आ, मशीन में डाला गया तो उसकी बॉडी वार्म ही नहीं हो रही थी गर्म ही नहीं हो रही थी डॉक्टर्स को लगा कुछ मशीनरी प्रॉब्लम है उसको वापस घर भेज दिया टेक्नीशियन को बुलाया गया देखा मशीन तो ठीक है दो तीन चार लोगों को दिया गया उसके बाद उनका रेडिएशन ठीक हुआ उसके बाद फिर उस पर्सन को बुलाया गया चार पांच दिन के बाद फिर उसको मशीन में लिटाया गया फिर उसकी बॉडी वार्म नहीं होती डॉक्टर्स बहुत कंफ्यूज हो गए कि क्या पर्सन ये है क्या ये ये बंदा है क्या कि इसकी रेडिएशन थेरेपी बहुत हैवी थेरेपी होती है इसके बॉडी में इम्पेक्ट क्यों नहीं हो रहा जब उससे पूछा गया कि क्या बात है ऐसा ऐसा क्या है क्या खाते हो तुम कहता खाता तो सब कुछ नॉर्मल ही हूं। बोला, कुछ -कुछ और लेते हो कहता, सर हिमोहीम लेता हूं तो हीम ही कुछ पंगा डाल रहा है तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो इसको लेना बंद कर दो और फिर आओ हमारे पास एक हफ्ते के बाद हिमोहीम उसने बंद किया एक हफ्ते के बाद गया फिर उसी मशीन से उसका रेडियोथेरेपी हो गया अब आप सोचिए कि ऐसा प्रोडक्ट है जो बॉडी के अंदर अगर आपके चला गया तो रेडिएशन का इंपैक्ट आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा और रेडिएशन एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर का अब आप देखिए एक बात तो आपको समझ आ गई कि जो रेडिएशन की वजह से कैंसर होने के चांसेस हैं आपकी बॉडी में अगर आप हीमोहीम का एक सिंगल पाउच खा रहे हैं कहने का मतलब अभी हमारे आसपास हमारे लोगों को किसी को सपोज कैंसर नहीं है और वो हीमोन का इंटेक कर रहा है एज ए प्रिकॉशन कि मुझे कैंसर ना हो तो उसको कभी कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि रेडिएशन का इंपैक्ट उसकी बॉडी पे नहीं हो सकता हीमोहीन खाते हुए तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो उसने अपनी एक पर्टिकुलर मेजर बीमारी को प्रिवेंट कर दिया कैंसर नहीं है उसको और वो कैंसर नहीं चाहता है। तो हिमो हीम अगर वो खाना शुरू कर देता है तो उसको कैंसर होने के चांसेस नहीं है ये कमाल की बात आपको मैं बताता हूं जो देखा हुआ एग्जाम्पल तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है इसी पॉइंट से कि सप्लीमेंट क्या होता है सप्लीमेंट का मतलब होता है कि हमें बीमार नहीं होना है हम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके अपनी बॉडी के इम्यून पावर को उसको हिंदी में इम्यून पावर को कहते हैं जीवनी शक्ति हम अपनी बॉडी के जीवनी शक्ति को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि हम बीमार ना हो ये पा ये यूज है सप्लीमेंट का लेकिन इंडिया में लोग बीमार होने के बाद सप्लीमेंट खाते सही मतलब होता है कि सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए कि आप बीमार ना हो लेकिन हम यहां पे अपने ऊपर खर्च करने को तैयार नहीं है हम अपने ऊपर हेल्थ के प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहते हम जाकर होटल में दो हजार पांच हजार रुपए एक दिन में तीन चार पांच दोस्तों के साथ बैठ के हम उसको यूज कर सकते हैं सिर्फ एक दो घंटे की खुशी के लिए लेकिन पांच हजार का सप्लीमेंट हम महीने का नहीं खा सकते ये एक विडंबना है जो हमारी सोसाइटी में है आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब की एक बोतल लेके आते हैं और तीन दोस्त दोस्त बैठते हैं उस शराब की बोतल पांच हजार दस हजार बीस हजार तक की एक एक बोतल होती है लेकिन अगर उसी पर्सन को हम ये कह दे कि दस हजार रुपए का तुम हिमो हिम ले लो और एक महीना चलेगा तो उसको नहीं लेगा कहेगा कॉस्टली है और उस शराब की दस हजार की बोतल सिर्फ दस मिनट के अंदर तीनों दोस्त मिलकर उड़ा देंगे एक है सोसाइटी की सप्लीमेंट को इसीलिए लेना चाहिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट आपके डाइट में इसलिए होना चाहिए कि आपकी बॉडी बीमारी की तरफ ना बढ़े आपको कोई भी बीमारी ना हो यह सप्लीमेंट का पर्पस है जब सप्लीमेंट को इसलिए लिया जाता है कि आपको बीमारी ना हो तो बहुत कम डोजेज में आपका काम चल जाता है जैसे हीमोहिम ही का एक पाउच ले लिया आपका काम चल जाए लेकिन अभी आप सबको पता है कि मेरे पापा बीमार थे जब मैं दिल्ली से निकला था उस समय उसके एक हफ्ते पहले आठ करेटेइन थी उसके बाद उनका दस कैरेटन हुआ और जिस दिन मैं निकला उस दिन उसका उनका ग्यारह पॉइंट कुछ था कैरेटनि दोनों किडनी डैमेज मेरे खुद के पापा की और उनकी एज भी है लगभग एटी टू के आसपास और मुझे नहीं पता था कि मैं आप अनिल जी को मैंने फोन करके बोला था कि सर मैं हो भी सकता है आऊं हो सकता है ना भी आऊं सिलीगुड़ी इस कंडीशन में मैं एक्चुअली गया था तो मेरे पापा को पता लगा कि आप लोग सब वहां इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप चले जाओ मुझे उन्होंने कहा उन्होंने ही बोला मुझे चले जाओ मैं एक्चुअली मेरा मन नहीं था आने का आप हैरान हो जाएंगे उस समय पापा को मैंने बेड पे यूरिन कैथेटर लग गया पापा का टॉयलेट पेशाब भी लगभग बाथरूम नहीं जा पाते थे खाना अनाज खाना बिल्कुल बंद कर दिया था पानी थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में कुछ कुछ उनको हम दे पा बोलना दो 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 बोलना भी कम कर दिया तो उठ के बैठ नहीं पाते थे बैठते थे तो सांस इतना ज्यादा फूलने लग जाता था कि मैं आपको क्या जाएंगे उनको का मैंने जो दिए पाउचेस डेली को मिला के, ये और मिल्क थ्रिशल की सिर्फ दो गोली ये प्रिस्क्राइब करके गया था मैं और साथ में मैंने उनको एप्पल का जूस बार बार मैंने एप्पल का जूस उनको बोला कि आप तीन तीन घंटे में एक एक एप्पल का जितना भी जूस निकले वो इनको पिलाई मेरे पास रिपोर्ट है लेकिन आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करूंगा थोड़े सा और वो आ, रिपोर्ट अच्छ, और अच्छी आ जाए जब मैं दिल्ली वापस आया हूं तो रिपोर्ट उनका सेवन पॉइंट सेवन क्रेडिट बिना डायलिसिस डायलिसिस के लिए वो तैयार नहीं थे माँ मेरी तैयार नहीं पापा तैयार नहीं वो मान चुके थे कि अब डेथ हो मतलब हम डेथ के लिए तैयार है मेरे पापा माँ दोनों माँ सपोर्ट नहीं कर रही थी डायलिसिस के लिए और पापा कह रहे थे अब जो होगा हो जाएगा सेवन पॉइंट सेवन ग्यारह से वापस आना सिर्फ आपके साथ में दस बारह दिन था उस इलाके में आप सोच के देखिए कि दस दिन के अंदर ग्यारह से सेवन पॉइंट सेवन आना इज जस्ट अ मिरेकल ये एक मिरेकल था और अब वो चलने फिरने लग गए हैं बात करने लग गए हैं अब रोटी भी खाने लग गए हैं अब मुझे वापस कल या परसों फिर चेक कराएंगे फिर देखते हैं कितना आता है जो बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट उनका टेस्ट रिपोर्ट शेयर करूंगा मैं वेट कर रहा हूँ इसलिए मैं अभी ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रुप्स वगैरह में उसको नहीं डाल रहा हूँ तो मैं पूरा रिजल्ट देखना चाहता हूँ और ए, एज उनकी बहुत ज्यादा है तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा अभी नहीं पब्लिश कर रहा हूं उस चीज को तो कहने का मुद्दा है कि ये मेरे घर का रिसेंट केस में आपको बता तो ये हिमो है कि जहां पे एक स्वस्थ आदमी इसको अगर एज ए सप्लीमेंट लेता है तो उसको एक पाउच काफी है लेकिन अगर उसको कोई डिजीज है तो उसके डोजेस बढ़ाने पड़े अगर आप उसके डोजेस पर्टिकुलर डोजेस नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा ये कंफर्म मान के चलिए कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका हिमोहिम का एक डब्बा उसका दो महीना चल जाएगा एक पाउच दे देंगे तो दो महीना चल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा उसके पैसे कम लग जाएंगे आप उस हिमोहिम को कूड़ा में डाल रहे हैं कुछ नहीं होने वाला के के क्रेटनी, क्रेटनी आप आ, सिंपल सी बात बता डॉक्टर के पास ग्यारह था, था तो अब छे अब छे गया। अगर वो एंटीबायोटिकेटरी तो बोलता है नाटन आपका छह पहले एंटीबायोटिकायोटिक बीमारी में सही एंटीबायोटिक दिया चला चलना एंटीबायोटिक को आप सिर्फ एक पहले आप चल नहीं पाते थे

लेकिन आपने उसको एक्यूरेट डोज नहीं दिया तो कोई भी बीमार आदमी जब आपके पास आता है तो उसको आपको डोजेस प्रॉपर देने हैं अगर आप डोजेस प्रॉपर नहीं देंगे तो आपको अच्छी चीज देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा ये कंफर्म मान के चलिए तो आपको मैंने ये बताया कि सप्लीमेंट क्या होता है ड्रग क्या होता है सप्लीमेंट सप्लीमेंट कब होता है और सप्लीमेंट को मेडिसिन कैसे बनाते हैं उसके डोजेस को हम बढ़ाकर उसी सप्लीमेंट को हम उसको मेडिसिन बना देते हैं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है आई थिंक मुझे लगता है कि जो बातें मैंने करी है अगर आपको समझ आ गई है तो बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि यस आपको समझ आ गई करेक्ट अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं हिमो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं सब जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा की बात करते हैं तो हिमोहीम के अंदर एक्चुअली में क्या है तीन प्रोडक्ट्स इसके अंदर तीन प्लांट होते हैं तीन प्लांट में उसका नाम आपको मैं बता देता हूं एंजेलिका एंजेलिका जगह नहीं है मैं बोल देता हूं एंजेलिका गिगास क्राइडियम ऑफिसनेलिस और पाइनिया जेपोनिका ये तीन प्लांट होते तो आपको इन नाम नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है आप सिर्फ इतना भी बोल देंगे कि इसके अंदर तीन प्लांट का जूस है तो चलेगा टेक्निकल बहुत ज्यादा आप ना भी बोले तो चलेगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके बारे में जो फर्स्ट प्लांट है एंजेलिका एंजेलिका क्या करती है कि आपके बॉडी के अंदर जो एनीमिया है कमजोरी है फिर मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग कॉम्बिनेशन बताऊंगा पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं इन प्लांट्स का काम क्या है अगर आप हीमोहिम लेते हैं तो सबसे पहले ही जो ये प्लांट एंजेलिका गिगास है इसकी वजह से आपकी एनीमिया दूर हो जाती है एनीमिया का मतलब अगर किसी की बॉडी में ब्लड की कमी है तो ब्लड की कमी इससे दूर हो सकती है इस प्लांट के वजह से जो कि हिमोहिम में तीन प्लांट में से एक प्लांट इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर कहीं पेन है पेन आपका कम हो जाता है कहीं आपका इंफेक्शन है तो इंफेक्शन कम हो जाता है और जो आपके जॉइंट पेन है छोटे जॉइंट पेन छोटे जॉइंट मतलब आपके उंगलियों के बीच में पेन हो रहे हैं आपके छोटे छोटे जॉइंट्स जो है उंगलियों में बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं वहां अगर पेन है तो इससे चला जाता है अब अगर मैं यहां बात करूं देखिए अभी मैं केस आपको किडनी किडनी का केस बता रहा था अपने पापा का किडनी के केसेस में एनीमिया बहुत सीवियर होती है बहुत वीकनेस हो जाती है एच बहुत डाउन हो जाता है हीमोग्लोबिन बहुत डाउन आने लग जाता है हीमोग्लोबिन डाउन होता चला जाता है और इन्फेक्शन लेवल भी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है क्योंकि यूरिन का आउटपुट प्रॉपर नहीं होता तो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है तो ये देखिए ये जो प्लांट है एंजेलिका गिगस ये आपका किडनी में क्यों काम करता है आपको समझ आ गया होगा हिमोहिम का एंजेलिका गिगास किडनी के दो सिम्टम्स को कवर कर देता है एक एनीमिया को कवर कर देता है एक को कवर कर देता है इसके बाद अगर मैं बात करूं क्राइडियम की बात करूं तो इससे एक बहुत बड़ी बात है जो आज सोसाइटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आज मैरिज तो होती है लेकिन बच्चे पैदा नहीं होते मैरिज तो होती है लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से खुश नहीं रहते तो ये कनाइडियम ऑफिसनेल का काम होता है बॉडी के अंदर सेक्स पावर को बॉडी के अंदर बढ़ा देती जो कि आज सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये करना क्या है हिमोहिम का दो पाउच प्लस में न्यूट्रासिटिकल मिक्स का एक पाउच पानी में घोल के पिला दीजिए और इसका रिजल्ट आप देख लीजिए आप हैरान हो जाएंगे मेल है जिसकी भी प्रॉब्लम है वो ये शॉर्ट आउट कर सकती है ड्यू टू कनाइडियम ऑफिसनेल जो प्लांट इसके अंदर होता है तो कोई भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से आज के टाइम बहुत उल्टे सीधे जगह जगहैथ मेडिसिन खा लेते हैं कई सारे लोग वो आयुर्वेद के चक्कर में पड़ जाते हैं वो पता नहीं क्या क्या मिक्स करके दे देते हैं उससे बेटर है एक रिसर्च प्रोडक्ट आप इस प्रॉब्लम के लिए ले तो ये ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है सोसाइटी से और आपको बताऊं कोरिया में सबसे ज्यादा इसीलिए ये प्रोडक्ट बिकता है क्योंकि वहां पे इस तरह के यूटिलिटी के लिए यूज किया जाता है तो दिस इज एक मेरेकल रिजल्ट बिकॉज ऑफ कनाइडियम ऑफिसनेल जो प्लांट हिमोइम के अंदर होता है इसके बाद पाइनिया जेपोनिका के बारे में बात करूं तो ये एंटी है एंटी की प्रॉपर्टी जो आती है हिमोहिम में ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के और 99 परसेंट बीमारियां आपको नहीं हो सकती ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटी प्रॉपर है तो आपको बीमारियां नहीं होगी ये कंफर्म मान के चलिए कहीं भी आपके सूजन है आपको अभी मैंने बताया जॉइंट्स वगैरह में सूजन होते हैं दर्द हो जाता है तो सूजन को कम करने के लिए हीमोहीम वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आप सिंपल भाषा में याद कर लीजिए कि अगर आपको इंफ्लामेशन है कहीं भी इंफ्लामेशन है उसके लिए आप हीमोहीम दे सकते हैं मैं एग्जाम्पल्स बता देता हूं जनरल भाषा में इन्फ्लामेशन के लिए साइंस में एक वर्ड यूज होता है आइटिस आईटीआईस आईटिस मैं नाम बताता हूं सुनिए कंजेक्टिवाइटिस आंखों का सूजन है ना लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो हेपेटाइटिस पेनक्रियाज में सूजन हो पेनकिस है ना गेस्ट्रेटाइटिस अर्थराइटिस देखिए सबके आगे, आगे आईटिस लगा हुआ लास्ट में तो जितनी भी बीमारी है स्टोमेटाइटिस जितनी भी बीमारी है जिसके आगे, आगे आईटिस लगा हुआ है इटिस tonsil टाषा में इंफ्लामेशन कहते हैं और इनफ्लामेशन कहीं भी अगर आपके है बेस्ट प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हिमोहीम के अंदर होता है पाइन या जेपोनिका बहुत अच्छा पेन किलर है जैसा मैं पहले बता चुका और इसके अलावा एंटी स्पाजिक है एंटी स्पाजिक है एंटी स्पाज आपने देखा होगा कि फीमेल्स हैं मैं पीरियड के टाइम में वो मैप्टल लेते हैं द, दवाई दुकान में जाते हैं कहते हैं मैप्टल दे दो या दे दो तो जो क्रैम्प्स पड़ते हैं फीमेल्स को मेंसेस के टाइम में अगर वो हीमोम हीम का एक पाउच को थोड़ा सा गुनगुना पानी में मिला के पी ले या डायरेक्ट पी ले तो आप देखेंगे उसका वो स्पाज स्पाज्म कम हो जाएगा वो जो पेन है वो कम हो जाएगा हीमोहिम की वजह से तो ये चीज आपको मैंने तीन प्लांट जो उसके अंदर डले हुए हैं उसका उसके वजह से क्या होता है ये मैंने आपको बताया इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है मेन आपको बताऊं ये नेचुरल किलर सेल एनके सेल आप किसी को भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अगर जाके बोलेंगे आपको हीमोहिम का नहीं पता आप जाके बोलिए सर एनके सेल को एक्टिवेट कर देता है एनके सेल नेचुरल किलर सेल नाम ही क्या है नेचुरल किलर सेल बॉडी का ऐसा नेचुरल सेल जो सामने वाले हार्मफुल सेल को किल कर दे वो नेचुरल किलर सेल तो ये जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा आपका नेचुरल किलर सेल बढ़ जाएगा और जो फॉरेन सेल्स हैं जो हार्मफुल सेल्स बॉडी के अंदर हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा इवन कैंसर के जो सेल है वो भी आपके हार्मफुल सेल आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करने लग जाते हैं उसके ग्रोथ को भी ये रोक देगा इसीलिए ये कैंसर में बोला जाता है कि इतना इस्तेमाल होता है ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा मतलब आपकी बॉडी के जीवनी शक्ति को बढ़ा देगा आपके बॉडी के डिफेंस पावर को बढ़ा देगा आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी इम्यून पावर को बूस्ट करता है तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम होता है ये साइटोकाइन साइटोकाइन रिलीज करता है साइटोकाइन रिलीज करता है और साइटोकाइन रिलीज का भी यही काम होता है कि जब साइटोकाइन रिलीज होगा तो वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर देगा और इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होने के बाद वो इम्यून सिस्टम वो जिमनी शक्ति किसी भी बीमारी को कोई किसी भी नाम से कोई बीमारी आपकी बॉडी में हो उसको वो खत्म करना शुरू कर देगा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी आप ठीक हो जाएंगे और इम्यूनिटी के बारे में आप सबको बड़ा आ, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपने कोरोना के कोरोना के टाइम आपने देखा था करोड़ों रुपए की वैक्सीन लगाई गई सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और आपको एक कमाल की बात बताऊं यूएस में फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज यूएस के लोगों ने नहीं लिया उसके साइड इफेक्ट को देखते हुए और वहां उन्होंने हीमोहीम को लेना ज्यादा प्रेफर किया इसीलिए यूएस में एटमी का स्थान फोर्थ है मैं आपको बता देता हूं वर्ल्ड में एटमी का पोजीशन ट्वेल्थ है सबसे पहले बात करूं फोर्थ पोजीशन पे यूएस में है वन पोजीशन में जापान में है वन पोजीशन में कोरिया में कोरिया में नंबर वन पे एमवे थी आज नंबर वन पे एटमी है जापान में नंबर वन पे एम्बे थी आज जापान में नंबर वन में एटमी है यूएस में कोरोना के बाद नंबर फोर्थ पे आ चुकी है इस्तेमाल किया गया और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चौदह सालों के अंदर बारवा रैंक वर्ल्ड में ले चुके और सत्तावन कंट्री में अपने बिजनेस को फैला चुके सोच के देखिए अगर मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगा तो उसकी एक ही वजह है हिमोहिम अब बात करें हिमोहिम का दस हजार छह सौ रुपए के आसपास है छह सौ बीस समथिंग अगर एक महीने का कोर्स हम कर भी लेते हैं तो तीन सौ रुपए दिन का खर्च हो जाएगा क्या आप तीन सौ रुपए दिन का एक कोर्स नहीं कर सकते एक योगा टीचर को घर बुलाइए पांच सौ रुपए लेके चला जाता है एक दिन का घंटा एक एक्सरसाइज करा के क्या हम तीन सौ रुपए अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते डेली का मैं कहता हूं जिसको कोई बीमारी नहीं है कोई बात नहीं आप एक महीने का कोर्स कर लीजिए का अगर आपको थोड़ी सी बीमारी है आपको नाम से लेना देना नहीं है बीमारी का आप क्या कीजिए तीन महीने का कोर्स कर लीजिए और जिसको बीमारी है वो छह महीने का कोर्स कर लीजिए आप देखिए आपका टेस्ट रिपोर्ट क्या बताता है आपको आपको अगर मेरे कल नजर ना आए तो आप भी यही मैं भी यही और मैं अपने बारे में आपको बता दूं नॉर्मली नहीं बताता हूं मैं आपको बता देता हूं दिल्ली एंड दिल्ली में बक्तावरपुर एक जगह है जहां पे बालाजी निरोग धाम एक हॉस्पिटल है दैट इज इन सेवन सेवनटीन एकर्स सत्रह एकर्स में है नेचुरोपैथी सेंटर जिसका फाउंडर सीएमओ मैं था सत्रह एकर्स में नेचुरोपैथी सेंटर तो मेरा काम सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि मैं लोगों को सिर्फ डाइट बताता हूँ सप्लीमेंट बताता हूँ और उसी से मैं कब से कैंसर तक के डिजीज को ठीक करता हूँ मेरी स्पेशलिटी सिर्फ यही है कि मैं बिना मेडिसिन के लोगों को ठीक करता हूँ और हम जिस बात के बारे में हम जो बात कर रहे हैं दैट इज नॉट मेडिसिन हम जो अभी बात कर रहे हैं दैट इज सप्लीमेंट हम प्लांट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और उसी में मेरी मास्टरी है पच्चीस साल की अगर आप कहीं भी सिंपल मेरे नंबर को नाइन एट वन एट सिक्स टू एट फाइव डबल नाइन को गूगल में क्लिक लिखिए और क्लिक कर दीजिए आपको मेरा डिटेल आ जाएगा मेरा नाम लिखने की भी जरूरत नहीं तो क्या आपको मिल सकता है क्या हम आपको दे सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं मुझसे अगर आप इस मीटिंग को अरेंज नहीं कराते तो शायद ये बातें नहीं हो पाती और आप सबको पता है कि मंडे वेडनेसडे, फ्राइडे की जो जू ये प्लेटफॉर्म में जो मीटिंग होती है तो उसमें मैं बहुत ज्यादा मीटिंग्स नहीं लेता हूँ क्योंकि लोगों को ट्रेन करना होता है दूसरे दूसरे लोगों को तो ये दिस ऑल अबाउट वॉट हिमोहीम अब मैं आपको कुछ बातें और बताता देखिए हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स है एक आपको बता दिया हिमोहीम तो आप चाहे नोट कर लीजिए आपको नॉट पता भी है एक हमारे पास है नोनी एक हमारे पास है वेज ओमेगा वेज ओमेगा सिर्फ वर्ल्ड में हमारे पास है और किसी के पास नहीं है अगर किसी को डाउट हो तो पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं मैं इसको आपको बताऊंगा क्यों सिर्फ हमारे पास वेज ओमेगा कई कंपनीज कहती है उनके पास वेज ओमेगा लेकिन उनके ऊपर का कवर जो है वो जेलेटिन का कवर होता है वो अगेन नॉन वेज होता है तो उनके पास अंदर तो फ्लेक्स ऑयल का ऑयल डाल देते हैं ऊपर वो नॉन वेज कवर चला देते हैं किसी के पास नहीं है और बाकियों के पास है तो मछली का ऑयल है तो वेज ओमेगा हमारे अलावा किसी के पास नहीं है और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे फीमेल्स है जो नॉन वेज नहीं खाना चाहती जेनीज है जो नॉन वेज नहीं खाना चाहते तो उनके लिए हमारे एक ही ऑप्शन है एटमी का ओमेगा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रासिटिकल मिक्स हमारे पास है इसके अलावा मैं बात करूं बैलेंस लाइफ हमारे पास है इसके अलावा बात करें तो पॉवर्टी हमारे पास है चाय हमारे पास है मिल्क थ्रेशल हमारे पास है स्पायरोलिना हमारे पास है एंड पोमीग्रेनेट हमारे पास है जो हेल्थ कवर करती है इस कंपनी में तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि अगर आपको मोटी मोटी बात करेंगे कि अगर आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई डिसऑर्डर का केस आ जाता है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के केस आ जाते हैं किसी को पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करूंगा अब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए तो देखिए डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर उसके पास है तो बेस्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमें तुरंत हमारे को किस पे जाना चाहिए न्यूट्रासिटिकल मिक्स पे जाना चाहिए प्लस सेकेंड ऑप्शन आपको क्या देना है no, नोनी देना है नोट कर लीजिए अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है न्यूट्रोसिटिकल मिक्स दीजिए न्यूट्रोसिटिकल मिक्स में क्या होता है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स होता है अगर आप किसी को भी प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके इंटेस्टाइन का फ्लोरा इंटेस्टाइन के अंदर का जो स्किन है जो जगह है वहां पे पॉजिटिव बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से वहां डाइजेशन आराम से होने लग जाएगा और डाइजेशन आराम से होगा तो एस गैस एसिडिटी एस 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 नहीं बनेगी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी तो नाइनटी परसेंट प्रॉब्लम डाइजेशन रिलेटेड उसका सॉल्व हो जाएगा इवन अगर गैस एसिडिटी किसी को ना बने तो कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है वो पेन गायब हो जाएगा तो सबसे पहला चॉइस आपको न्यूट्रोसिटिकल मिक्स में जाना है लेकिन आपको बात वही समझनी है कि एक पाउच से काम अगर नहीं चल रहा रिजल्ट आपको नहीं आ रहा तो आप दो पाउच करिए दो पाउच से रिजल्ट नहीं आ रहा तीन पाउच कीजिए तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे और न्यूट्रासीटिकल मिक्स अगर आप उसको देते हैं तो पानी का इंटेक भी आप उसको प्रॉपर करवाइए साथ में आप उसको नोनी दीजिए नोनी थर्टी एम कम से कम मिनिमम डोज नोनी का दो बार दिन में होना चाहिए अगर आप एक बार नोनी देंगे नोनी का पांच हजार रुपया वेस्ट करवा देंगे सामने वाले का कोई फायदा नहीं मैं पहले बोल देता हूं एडवांस में मिनिमम दो डोज और तीन डोज चार डोज जैसी बीमारी वैसे डोजेस आपको ज्यादा सीवियर बीमारी ज्यादा डोज ये ध्यान रखिए ये आपको तो डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है मैं सिस्टम वाइज बॉडी के अंदर जो जो सिस्टम होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लीमेंट्स को बता देता हूं इसके बाद आप नोट भी कर लीजिए कुछ पूछना है तो आप नोट भी कर लीजिए क्या पूछना चाहते हैं लिख लीजिए आप इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को है किसी को अस्थमा है किसी को ब्रोंकाइटिस है किसी को सांस फूल रहा है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम किसी को है तो उसके लिए हमारे पास चॉइस है आप हिमोहीम दीजिए उसको और प्लस में आप उसको ओमेगा दीजिए चुका हूं कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शन कोई ना कोई इन्फेक्शन बार -बार आपको पता है होती है वाली होती है होती होती वाली तो आप हीम दीजिए मैंने आपको पहले बताया कि हिमोहिम के जो हिमोहिम के अंदर जो एं, एंजेलिका गाइगस होता है उससे इंफेक्शन दूर होता है तो आपको रेस्पिरेटरी डिजीज है तो हिमोहिम आप प्रिस्क्राइब करिए प्लस में रेस्पिरेटरी डिजीज वालों को ऑक्सीजन कैरी ब्लड में प्रॉपर नहीं होता और ब्लड में सबसे ज्यादा काम करता है ही ही। साथ में ओमेगा आप इसलिए दीजिए कि उसके जो ब्लड वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़े से खुल जाए मतलब जो उसके अंदर गंद डिपोजिट है ब्लड वेसल्स में वो गंद वहां से निकल जाए और उसका पैसेज पैसेज जो है सांस लेने वाला पैसेज हो चाहे ब्लड वाला पैसेज हो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने का जो सिस्टम है वहाँ भी क्या है नलिया है वो नलिया क्लियर हो जाए देखिए मैं आपको बता देता हूँ जैसे मान लिया ये हमारा फेस है ये सांस लेने की नलिया है ये आगे जाके ऐसे डिवाइड होती है फिर ये फर्दर और डिवाइड होती है फिर और डिवाइड होती हैं फिर इस तरह स्ट्रक्चर बनती है तो ये भी नलिया है तो ये जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम में कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाए उनको अच्छा फील होना शुरू हो जाए तो रेस्पिरेटरी डिजीज अगर किसी को भी है तो आप उसको क्या करिए आप हिमोहिम दीजिए ओमेगा दीजिए ये दोनों आप उसको दीजिए साथ में आपको ये भी देखने की जरूरत है कि रेस्पिरेटरी के साथ उसको और भी कोई डिजीज है तो उसके बारे में भी आप उससे पूछिए जरूर जब भी आप किसी से बात करें आराम से तसली से बात करिए और भी कुछ कुछ निकल के आ सकता है सामने उसका भी ध्यान रखेंगे हम लोग तो रेस्पिरेटरी डिजीज में ये दो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए बेहतरीन आपको रिजल्ट आए इसके बाद है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम सर्कुलेटरी प्रॉब्लम का मतलब है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ब्लड के फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब सर्कुलेशन सिस्टम में आ जाता है हार्ट डिजीजेस एंड ब्लड से ब्लड के फ्लो से रिलेटेड डिजीज अगर ये प्रॉब्लम किसी को भी है तो अगेन आपके पास जो चॉइस आती है अगेन सेम चॉइस आती है हीमोहिम जो आपके ब्लड पे काम करेगी और साथ में ओमेगा जो आपकी क्लीनिंग की काम करेगी ब्लड वेसल्स को क्लीन करेगी आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में ऐसे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ऐसे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो आप क्या देखते हैं कि आपके पैसेज पैसेज आपका क्या हो जाता है पैसेज छोटा हो जाता है ये पैसेज छोटा हो जाता है और जिसके कारण अगर कोई ब्लॉकेज अचानक से यहां आ गई तो हार्ट अटैक हो जाता है अगर कोई पर्सन हीमोहीम और ओमेगा का इनटेक करे सिंपल एक एक पाउच और दो दो टेबलेट्स ओमेगा के स्वस्थ है वो लेकिन उसको हाई बीपी का केस है वो नॉर्मली स्वस्थ है लेकिन बीपी की मेडिसिन ले रहा है अगर इन दोनों का इनटेक अगर वो करता रहे तो वो कभी भी उसको हार्ट अटैक नहीं होगा अब देखिए नॉर्मल अगर हार्ट अटैक का केस होता है तो आप देखिए कम से कम स्टंट विस्टंट लगाने जाए तो ढाई लाख रुपए का दो से ढाई लाख रुपए खर्च हो जाता है डिवाइडे बाद अगर दस हजार रुपए कर दू हीमोहिम का रेट तो देखिए पच्चीस हीमोहिम आते हैं मतलब पच्चीस महीने का कोर्स हो सकता है उसमें जो आप एक एक दिन में देके आ जाते हैं उसको आपको दस हजार रुपया महंगा लगता है और ढाई लाख रुपया उसको देके आ जाते हैं सोच के देखिए कितनी दिमाग की ब्लॉकेज है हमारे पच्चीस सीमोइम का कोर्स करने की आवश्यकता होती नहीं हमें ज्यादा से ज्यादा तीन महीने का कोर्स हम करते हैं एक साल अगर बीमारी नहीं है तो कोई मेजर उसके बाद फिर साल के बाद फिर तीन महीने का कर लेंगे अगर एक साल में तीन महीने का कर लें तो पच्चीस इमोइम का कंजन के लिए कितना हो गया आठती है चौबीस मतलब आठ साल का कोर्स का आपने उसको एक घर एक दिन में देके आ गया प्लस में फार अलग से दिया तकलीफ अलग से हो गई उसके बाद फिर आपको उसके बाद भी आपको क्या करना है डाइट पे ही ध्यान रखना है उसके बाद भी आपको न्यूट्रिशन नु, प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है उसके बाद भी आपको खाने पीने का और सप्लीमेंट्स ही लेने तो पहले ही ले लो भाई बाद में लेना है तो पहले ले लो कटवा के लेने की क्या जरूरत है सोच बनानी पड़ेगी आपको अपनी इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रिएटरी सिस्टम जिसमें आपका मेनली क्या आता है यूरेनरी सिस्टम पसीना भी होता है लेकिन वो थोड़ा सा माइनर होता है हम बात करते हैं यूरेनरी सिस्टम की और यूरेनरी सिस्टम की अगर बात करें तो वहां से रिलेटेड होता है क्या किडनी और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें क्या करना है कोई भी किडनी का केसेस आता है हमें डोजेस क्या बनाना है हीमोहीम लेना है एक पाउच में बीस एम एल होता है प्लस में लगभग लगभग वा, वाटर ले लीजिए बीस एम गुनगुना पानी ले लीजिए सिंपल पानी जैसा वो पीना चाहे और एक न्यूट्रासिटिकल का पाउच ऐड कर दीजिए मैं किडनी के, के केसेस के बारे में बात कर रहा हूं हिमोहीम एक पाउच वाटर बीस एम एल न्यूट्रासीटिकल मिक्स एक पाउच मिलाइए और उसको पिला दीजिए कम से कम दिन में थ्री टू तो फोर टाइम्स उसको पिलाइए आप देखिए रिजल्ट आता नहीं आता तो कभी भी एक्सक्रीटरी डिजीजेस कभी किसी को होता है उसको आप ही दीजिए किडनी में कोई प्रॉब्लम है स्टोन हो गया है फ्लश uh, आउट करना है स्टोन को यही फार्मूला आप यूज कर लीजिए एक्सक्रीटरी डिजीजेस में ये फार्मूला आप यूज करिए आपको अच्छा रिजल्ट आए इसके बाद अगर बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जो हार्मोन से रिलेटेड होते हैं परसेंट फीमेल्स को आप देखते हैं हार्मोन हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो अगर कोई भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम आते इवन अनवॉन्टेड हेयर्स जो आ जाते हैं फेस पे ये भी हार्मोनल डिजीज है किसी को हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल है बच्चे नहीं हो रहे ये भी हार्मोनल डिजीज है किसी को सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है हार्मोनल डिजीज थाड की प्रॉब्लम है हार्मोनल डिजीज तो बॉडी के अंदर जहां भी आपको लगता है हार्मोन से रिलेटेड उसको डिजीज है तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है नोनी हार्मोन्स पे बहुत बढ़िया काम करती है प्लस में हमारा पॉमीग्रेनेट बहुत अच्छा काम करती है अभी बिटू मैम ने एक को नोनी प्रिस्क्राइब किया था थायराइड क्लास पंद्रह या बीस साल से उसको था थायराइड की प्रॉब्लम अब कोई मेडिसिन नहीं कुछ नहीं उसका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आता है पॉमीग्रेनेट और नोनी आप उसको दे दीजिए एंडोक्राइन सिस्टम में जबरदस्त काम करेगा उसका हारमोन बैलेंस होने लग जाएंगे और ये नाइंटी परसेंट फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है इसके बाद अगर मैं बात करूं मस्कुलो स्केल्टन मसल्स और हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को है हड्डियां कमजोर हो गई है मसल्स कमजोर हो गए मसल्स वीक पड़ने लग गए हैं आपको सीधा सीधा किस पे जाइए नोनी में जाइए और प्लस में आप दे दीजिए उसको आपको का का पता ही होगा वीडियो आप देख लीजिएगा मेरा अगर दो गोली सुबह दो दोपहर दो शाम देते हैं के साथ एक कंपल्सरी पार्ट है दो ग्लास पानी ऊपर से पिलाइए अदरवाइज कई लोगों को लगता है डिस्कम्फर्ट होता है पेट में स्पायरोना से अगर आपने दो ग्लास पानी के साथ स्पैक्यू क्योंकि फूलता है अंदर जाके फैलता है काफी नोनी और स्पैडुलिना दे दीजिए स्पैडुलिना से आप समझ लीजिए छह गोली स्पैडुलिना अगर उसने खा लिया तो उसने एक बड़ा सा छ फिट बाय तीन फिट का टेबल छ फिट बाय तीन फिट के टेबल पे कितना सैलड लगा सकते हैं आप कितना फल लगा सकते हैं उतना फल उसने खा लिया उतना सैलेड खा लिया अगर बच, अगर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा बच्चे की हाइट नहीं निकल रही आप पॉमीग्रेनेट दे दीजिए नोनी दे दीजिए स्पायरोना दे दीजिए उसकी हाइट निकलने लग जाएगी फर्स्ट क्लास कितने केसेस है हमारे पास सोचिए हमें प्रोडक्ट देना नहीं आता आप फार्मूला लिख लीजिए बच्चे के लिए बता ही देता हूं फिर भूल जाऊंगा आपने क्या देना है नोनी देना है पॉमीग्रेनेट देना है स्पायरोना देना है दे दीजिए आपको पता हाइट नहीं निकलने की वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हाइट नहीं निकलती मिग्रेनेट नोनी स्पाइरोना दे दीजिए प्रॉपर तरीके से तीन महीने के अंदर उसको बोलिए भैया रिजल्ट मिले तो तीन महीना और रिपीट कर लेगा नहीं तो छोड़ दे हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है कैल्शियम की कमी है पोटेशियम की कमी है फास्फोरस की कमी है ये सब आपका स्पायरोना पूरा कर देगा इसीलिए कई सारे लोगों को ज्वाइंट पेन वालों को जब हम स्पायना कई लोग देते हैं तो कहते हैं जी बहुत आराम आ गया मेरे को एक्चुअली उसका कैल्शियम डेफिशिएंसी विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरे हो जाती है इसलिए उसको आराम आ जाता है नोनी से उसका इंफ्लामेशन दूर हो जाता है इसलिए आराम आ जाता है तो ये आपको क्लियर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं कई बार बता चुका हूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या करना है हिमोहिम देना है नोनी देना है साथ में मिल्क थ्रिशल देना है लीवर एक्टिवेट हो गया रिप्रोडक्शन रिलेटेड रिप्रोडक्शन मतलब कोई भी बच्चे बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी को प्रीमेच्योर एजिकुलशन है किसी का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो आप ये कॉम्बिनेशन हिमोनोनी हिमोहीम नोनी मिल्क थ्रिशल हीम, और हिमोहिम के साथ न्यूट्रासीटिकल मिक्स मिला के अगर दे देते हैं उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी शॉर्ट आउट हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली अगर प्रेगनेंसी सब हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल है बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि उनको कंसेप्शन होने के 99 परसेंट चांसेस है कंसेप्शन उसको हो जाए ये एक कमाल की बात आपको मैंने बता दी है हार्मोन्स बैलेंस करेंगे डेफिनेटली कंसेप्शन होगा इसके बाद अगर बात करूं इंटीग्यूमेंट इंटीगुमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है स्किन रिलेटेड स्किन रिलेटेड सिस्टम स्किन के लिए हमें पता है कि आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं पैर गल गए पैर में फंगल इन्फेक्शन हो गया पैर किसी को सोराइसिस हो गया ये भी आपने देखा है फोटोग्राफ्स में एक्जिमा हो गया किसी को तो इन सब आपको पता है कि हमारा हीमोहिम बहुत अच्छा काम करता है तो अगर किसी को भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके पास हीमोहिम है आपके पास बॉडी क्लिनजर है और आपके पास बॉडी लोशन है ये इसके थ्रू जाइए और अगर लीवर में प्रॉब्लम रहती रहती है ऐसे केसेस में किसी का भी लीवर ठीक है तो स्किन प्रॉब्लम उसको नहीं होती क्योंकि डिटॉक्सिफाई करता रहता है बॉडी को अगर डिटॉक्सिफाई कर रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर गंध नहीं जम सकता और गंध नहीं जम सकता तो आपको स्किन प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती स्किन प्रॉब्लम है इसका मतलब आपका लीवर में प्रॉब्लम है आपको लीवर को क्लीन करने की आवश्यकता है यही सेम चीज डायबिटीज में होती है अगर आपको डायबिटीज है तो आपको बेसिक कॉज लीवर है लीवर को क्लीनिंग करेंगे शुगर मेंटेन रहना शुरू हो जाएगा तो मिल्क थ्रेशियर के बारे में मैं थोड़ा सा अलग से एक बार बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत बड़ा वीडियो है उसके लिए आपने वो देखा ही हो इसके अलावा अगर किसी को नर्वस डिसऑर्डर है नर्वस प्रॉब्लम है नर्वस नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारा एक प्रोडक्ट अगर सिंगल सेलेक्ट करें तो ओमेगा हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ओमेगा के अंदर डीएचए होता है डीएचए ब्रेन पे काम करता है नर्व्स पे काम करता है तो ओमेगा जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है नर्वस सिस्टम के लिए पैरालिसिस किसी को जाता है तो नर्व नर्वस प्रॉब्लम है नर्व्स उसके काम नहीं कर रहे तो वहां भी आपका ओमेगा बहुत बेहतरीन काम करता है अब मैं एक बात लीवर के बारे में बात करूं लीवर के लिए हमारा मिल्क थ्रिशल है हमारा क्या है मिल्क थ्रिशल है देखिए अगर आपका लीवर ठीक है तो आपको डायबिटीज नहीं हो सकता इवन आपको बॉडी के अंदर 90 परसेंट डिजीज़ेस आपको नहीं हो सकते अगर आपका लीवर ठीक है यह ध्यान रखिएगा प्लस में आज आज अगर सोसाइटी की बात करूं मैं तो एल्कोहल बहुत ज्यादा एल्कोहल लोग लेते हैं अल्कोहल लेने वाले की एक खास विडंबना क्या होती है कि भाई कुछ ऐसा बता दो कि मैं अल्कोहल भी पीता रहूं और मेरा लीवर भी डैमेज ना हो मतलब अल्कोहल नहीं छोड़ूंगा और लीवर को भी कुछ नहीं होना चाहिए अगर आपके पास ऐसे केसेस हैं, तो मिल्क थ्रिशल की दो गोली उसको देना शुरू कर दीजिए दोपहर में खाने खाने के बाद बहुत हैं कि उसको लीवर से प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ये मैं आपको बता रहा आप ये देखिए देखिए आप हैरान हो जाएंगे कि मिल्क थ्रिशल अगर आपने सिर्फ प्रिस्क्राइब उसको कर दिया तो लीवर की प्रॉब्लम से वो उसको बचाव हो जाएगा इतना इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज वाले का कोई भी केस हो बिना मिल्क थ्रिशल के प्रिस्क्राइब मत करिए चीजों को डायबिटिक केस है तो स्किन डिजीज है जरूर जरूर मिल्क थ्रिशल प्रिस्क्राइब कीजिए आप उसको रिजल्ट आएगा आज सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती हाइट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों की स्पायरोना दीजिए सारे विटामिन सारे मिनरल्स बच्चे को मिल जाएंगे पॉमीग्रेनेट दीजिए हार्मोन्स बैलेंस होगा हार्मोन्स की वजह से हाइट रुकती है पॉमीग्रेनेट दीजिए हार्मोन्स बैलेंस होंगे अभी मैंने आपको हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए और क्या बताया था नोनी बताया था पॉमीग्रेनेट नोनी वो आप दीजिए हाइट उसकी निकल जाएगी तो ये आप चाइल्ड ग्रोथ हाइट के लिए दुनिया भर के केस आप मार्केट में ले सकते हैं सोचिए किसी को कोई वो नहीं चाहिए इसके लिए कोई किसी को रिस्क नहीं है कोई किसी को गारंटी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए उनको पता है हाइट बढ़ गई तो बहुत बड़ी बात है आप इसको देखे देखिए स्पायरुलना के साथ खास बात है कि अगर किसी के हेयर से रिलेटेड बहुत फॉल है हेयर फॉल बहुत ज्यादा है स्पायरुलना से हेयर फॉल रुक जाएंगे कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा पढ़ नहीं रहा ढंग से बैठ नहीं रहा ज्यादा देर पढ़ने को आंखें उसकी कमजोर हो गई है स्पैरोना आप दीजिए आंखों में जबरदस्त रिजल्ट आता है हेयर फॉल में जबरदस्त रिजल्ट आता है स्पायरोलिना से अगर किसी को बहुत सस्ता ट्रीटमेंट चाहिए आप स्पैरोना और मिल्क थ्रिशल दे दीजिए उसको और कहिए कि आप खाओ आराम से एक साल खाओ एक साल उसको बोलिए खाओ आराम से और देखिए क्या रिजल्ट आता है इसके अलावा आज सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी मोटापा मोटापा के लिए आपको मैं अलग अलग फार्मूला बता देता हूँ बजट के हिसाब से कम बजट वालों के लिए स्पायलिना और पोर्टी दे दीजिए सर आपको ऑडियो नहीं आ रहा है फॉर्म तो इस्तेमाल करा तो आप क्या देखेंगे कि आपके सामने दुनिया भर के केस आ जाएंगे रेफरल केसेस दुनिया भर के आ जाएंगे एक फैमिली में एक फैमिली में सिर्फ आप मोटापा कम करके दिखा दीजिए उस ओबेसिटी में आप लोगों को ये देखना है कि बजट कैसा है अगर लगता है कि बजट कम है तो आपको क्या जाना है स्पाइरोलिना और पोटी में जाना है अगर लगता है थोड़ा सा बजट ठीक है तो उस दोनों में स्पारोलिना देना ही है पोटी देना ही है बैलेंस लाइफ ऐड कर दीजिए उससे लगे कि और थोड़ा सा उसका बजट ठीक है तो वो तीनों देना है साथ में नोनी भी ऐड कर देना है अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे ओबेसिटी में रिजल्ट आएगा और एक केस अगर ओबेसिटी का आपने किसी फैमिली का सॉल्व कर दिया तो वहां से आपको बीसों केस मिल जाएंगे मतलब आपके ऑटो जनरेट कस्टमर क्रिएट हो जाएंगे जिसके बारे में हिंगिल पार्क कहते हैं ऑटो कस्टमर बनाइए ऑटो कस्टमर बनाने के लिए किसी ना किसी को आपको किसी ना किसी फैमिली में आपको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे तो थैंक यू वेरी मच